वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आए हैं आपके लिए नई वीडियो लेकर। तो आज गाड़ी है हमारे पास महिंद्रा की मैक्सिमो। तो फ्रेंड्स, गाड़ी में प्रॉब्लम है कि गाड़ी पिकअप बिल्कुल नहीं ले रही है, ठीक है। और गाड़ी 30-40 से ज़्यादा गाड़ी नहीं भागती है, ठीक है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पर है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो करते हैं चालू। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इतना एक्सीलेटर है गाड़ी में, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सीलेटर कम हो जाएगा। अभी गाड़ी थोड़ा एक्सीलेटर ले रही है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और ये एक्सीलेटर हमारा पूरा दबा है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी का एक्सीलेटर डाउन होता चला जाएगा बिल्कुल, और गाड़ी बिल्कुल नहीं भागेगी। ये एक्सीलेटर हमारा डाउन हो रहा है। और जैसे बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है, अगर चाबी ऑफ करके ऑन करते हैं तो गाड़ी एक्सीलेटर लेती है, ठीक है। ये एक्सीलेटर हमारा बिल्कुल डाउन हो चुका है, ठीक है। अब जैसी गाड़ी आइडल पोजीशन पे होती है, गाड़ी हमारी वैसी हो चुकी है, ठीक है। गाड़ी एक्सीलेटर अब नहीं ले रही है, बिल्कुल नॉर्मल एक्सीलेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि एक्सीलेटर पूरा दबाया है मैंने, ठीक है, और चाबी को बंद करके जैसे ही खोलेंगे तो एक्सीलेटर पे कोई परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिखाने वाले हैं कि गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो सबसे पहले गाड़ी में स्कैनर लगा के देखते हैं कि GTC गाड़ी में क्या आ रहा है। तो स्कैनर लगाते हैं सबसे पहले गाड़ी में। तो गाड़ी को करते हैं बंद। चाबी हमारी ऑन पोजीशन पर रहेगी। तो डिवाइस जो हमारी होती है ये लगेगी यहाँ, ठीक है, फ्यूज बॉक्स के जस्ट ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी में DTC क्या आ रहा है। तो सबसे पहले करेंगे इसको ऑटोमेटिक। महिंद्रा इंडियन डायग्नोस्टिक। व्हीकल सिलेक्शन, हमारी गाड़ी है मैक्सिमो, तो कमर्शियल में जाएंगे मैक्सिमो। पैसेंजर सिस्टम सिलेक्शन, इंजन रीड फॉल्ड कोड। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हो इसमें वाटर इन फ्यूल सेंसर फॉल्टी, ठीक है, ये कोड हमारा करंट में आ रहा है। और ये कोड हमारे हील्ड में, और एक ये कोड हमारा भर रहा है सिग्नल रेंज चेक फॉर रेल प्रेशर सेंसर अबाउट ए मैक्सिमम लिमिट, ठीक है फ्रेंड्स। ये कोड हमारा करंट में भर रहा है P0193। और ये हमारे कोड और इसमें कोड हील्ड में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन कोडों को क्लियर करते हैं, जो कोड बचेगा वापस से उस कोड पे काम करेंगे। तो क्लियर करके देखते हैं कि गाड़ी में हमारी एक्सीलेटर आता है या नहीं आता है। तो पहले सबसे पहले कोडों को क्लियर करते हैं। कंप्लीट रीड फोल्ड कोड। तो फ्रेंड्स, ये दो कोड इसमें नहीं जा रहे हैं, P0193 P0118, मतलब ये कोड जो कोड नीचे वाला आ रहा है ये कूलेंट टेम्परेचर हमारा कोड है। हिस्टोरी में ये कोड हमारा करंट में है, ठीक है। तो एक बार और इनको क्लियर करेंगे कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये कोड हमारे नहीं जा रहे हैं, तो कोड क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो इसके बाद में आप गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी गाड़ी का इंजन RPM कितना जा रहा है, ठीक है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट है और ये कोड हमारे इसमें नहीं जा रहे हैं वापस, ठीक है। ये कोड जो जाना चाहिए, ये कोड इसमें एक और बढ़ गया, कूलेंट टेम्परेचर आउटपुट टेस्ट पॉइंट पैनल नो लोड, ठीक है फ्रेंड्स। ये कोड हमारा, ये कोड जो कूलेंट का स्टोरी में आ रहा था स्टार्ट गाड़ी के करंट में हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाड़ी को जैसे ही बंद करेंगे ये कोड हमारा स्टोरी में चला जाएगा। तो ये गाड़ी मैंने बंद कर दी है, ठीक है।
तो अब इसको वापस से एक बार रिफोल्ड कोड करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स ये कोड हमारा करंट में, ठीक है, तो इसको क्लियर करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें ये कोड हमारा हिस्टोरी में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। गाड़ी स्टार्ट करेंगे जो ऑटोमेटिक करंट में आ जाएगा। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी में एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लाइव डाटा में चलने के बाद में दिखाते हैं आपको कि कूलेंट टेम्परेचर हमारा और इंजन स्पीड क्या दिखा रही है। तो इंजन स्पीड हमारी आ रही है, आइडल पे आ रही है, ठीक है। अब एक्सीलेटर इसको लेते हैं, 1200 1800, ठीक है, 962, 1090, 1000 से ऊपर हमारा आरपीएम नहीं जा रहा है, ठीक है। 1000 के ऊपर जाता है तुरंत रिटर्न वापस आ जाता है और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है हमारी। तो अब दिखाते हैं इसका कूलेंट टेम्परेचर, ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है फ्रेंड। ये कूलेंट टेम्परेचर है, ये हमारी इंजन स्पीड है 1400 832 और गाड़ी हमारी पिकअप बिल्कुल नहीं ले रही है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो कोड दिखा रहे हैं उस कोडों पे काम करते हैं, तो वापस से बैक आते हैं, रीड फोल्ड कोड। तो सबसे पहले मैं इसके कूलेंट टेम्परेचर पे और सिग्नल रेंज 4 रेल प्रेशर सेंसर इसके हमें काम करना है। सबसे पहले तो रेल प्रेशर दिखाते हैं, रेल प्रेशर की बारिंग में दिक्कत कहाँ पे है, तो चलते हैं रेल प्रेशर की साइड। तो फ्रेंड्स गाड़ी के नीचे आ चुके हैं, जो इसका रेल प्रेशर का जो कपलर निकाला है बाहर, तो आप देख सकते हो उसमें एक बार इसमें टूटा हुआ है, ठीक है। एक बार इसका ये टूटा हुआ है, इस रबड़ के अंदर तार इसका ब्रेक था, ठीक है। एक ये तार टूटा हुआ है और ये हमारा कपलर ख़राब है, ठीक है। कपलर में दोनों तीनों वायरिंगों में इसके कट है, तो ये वायर हमारा टूटा हुआ है। तो इसका रेल प्रेशर का कपलर अब चेंज करेंगे, ठीक है। और जो कूलेंट टेम्परेचर का जो हमारा कोड क्लियर नहीं हो रहा था करंट में आने के बाद में हिस्टोरी में जा रहा था, तो इसका भी एक वायर टूटा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार ये भी टूटा है हमारा, तो ये रहा हमारा कूलेंट टेम्परेचर का, ये वायर कूलेंट टेम्परेचर का और रेल प्रेशर का। तो दोनों में नहीं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराते हैं, देखते हैं इसके बाद में हमारी गाड़ी एक्सीलेटर लेती है या नहीं लेती है। तो दोनों कपलर गाड़ी के रेल प्रेशर के और कूलेंट टेम्परेचर के चेंज कराते हैं पहले, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। दोनों सॉफ्टवेयर चेंज करा दिए हैं, ये हमारी कूलेंट टेम्परेचर की, ये हमारे रेल प्रेशर की, ठीक है। और इसमें ये दोनों सॉफ्टवेयर नई लग चुकी हैं, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो अभी गाड़ी हमारी एक्सीलेटर नहीं ले रही थी, तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये एक्सीलेटर इतना आ चुका है गाड़ी में, ठीक है। तो जैसे ही चाबी बंद करके खोलेंगे तो एक्सीलेटर देखना फ्रेंड्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये एक्सीलेटर आ रहा है, फुल लगा है, ये एक्सीलेटर बढ़ा, ये हमारा एक्सीलेटर बढ़ने चाहिए था। पहले एक्सीलेटर हमारा बढ़ नहीं जाता, कैसे एक्सीलेटर अभी एक्सीलेटर खुल ले रही है, ठीक है। अभी थोड़ा डाउन आ रहा है एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर मारी गाड़ी, ये डाउन हुआ एक्सीलेटर, एक्सीलेटर डाउन हुआ। तो यदि चाबी बंद करके खोलेंगे तो एक्सीलेटर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा स्टार्ट गाड़ी के, ये बढ़ गया एक्सीलेटर, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि कोड वापस से कौन सा कोड आ रहा है, कोडों को एक बार क्लियर करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो लगाते हैं गाड़ी में डिवाइस। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे चाबी गाड़ी स्टार्ट पोजीशन पे, गाड़ी के एक्सीलेटर पूरा अपन पैर धर लेते हैं गाड़ी पे, तो चाबी ऑफ करके ऑन करते हैं तो गाड़ी का एक्सीलेटर ऑटोमेटिक हाई हो जाता है और उसके बाद में गाड़ी 10 सेकंड के बाद डाउन हो जाती है। मगर पहले कंडीशन में गाड़ी
पहले कंडीशन में गाड़ी एक्सीलेटर बहुत ही डाउन था गाड़ी का, ठीक है। अब परफेक्ट एक्सीलेटर आ चुका है मगर हल्का सा डाउन हो रहा है, तो डिवाइस लगाते हैं गाड़ी में। तो डिवाइस हमारी लग चुकी है, महिंद्रा इंडियन। व्हीकल सिलेक्शन कॉमर्शियल मैक्सिमो पैसेंजर सिस्टम इंजन रीड फोल्ड कोड। तो फ्रेंड जो हमारा कोड सिग्नल रेंज चेक फॉर रेल प्रेशर सेंसर वो मैक्सिमम लिमिट आ रहा था, कोड हमारा कोड हील्ड में जा चुका है, ठीक है फ्रेंड। ये भी कोड हमारा हील्ड में जा चुका है, ठीक है फ्रेंड। ये कोड हमारे जो कोड क्लियर नहीं हो रहे थे तो वो कोड हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड इसमें नया कोड ऐड हुआ है, वाटर इन्फ्यूज सेंसर फॉल्टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन कोडों को क्लियर करते हैं, पहले कोड दो कोड हमारे क्लियर नहीं हो रहे थे, तो इन दोनों कोडों को क्लियर करते हैं पहले कंप्लीट। तो फ्रेंड्स नो ट्रबल कोड दिखा दिया, ठीक है, और ये कोड हमारे क्लियर नहीं हो रहे थे, ये कोड जा चुके हैं, पहले कोड हमारे क्लियर करने पर क्लियर नहीं हो रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नो ट्रबल कोड गाड़ी में आ चुका है, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का एक्सीलेटर हमारा आ चुका है, सेंसर पे काम करना है तो कर दो, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।